और नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त ये लोगो बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत ही ज़्यादा नज़र आता है, लोग इस लोगो को पहचानते हैं क्योंकि MGHS और MG की क्रॉसओवर गाड़ियां पूरे पाकिस्तान में हैं, लेकिन दिस इज़ द ओरिजिनल ब्रिटिश MG। और इस गाड़ी की स्पेशल बात ये है, दीज आर जस्ट अंडर 10 कार्स इन पाकिस्तान, लेकिन ये गाड़ी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेटली रिस्टोर्ड, इसकी ओरिजिनल हालत में अगर आपने कोई MG की फील लेनी है तो दिस इज द वन। जो इनको रिस्टोर करने का शौक है वो बाहर से उसकी बॉडी तो रिस्टोर कर लेते हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर के अंदर इतनी मेहनत हुई है। ये दोनों गाड़ियां कन्वर्टेबल हैं, 1800cc हैं, लेकिन इट्स अ टोटली डिफरेंट फील। इसका ब्लैक इंटीरियर है, स्टेयरिंग व्हील जो है वो ज़्यादा मुझे स्पोर्टी वर्जन लगा है इसका, क्योंकि इस तरह की जो पुरानी रेस कार्स आती थी उसके अंदर इस तरह का 3-spoke स्टेयरिंग व्हील होता था। द बटन्स आर वेरी बेसिक, सीट मुझे इसकी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी है, दे आर मोर स्टेबल। दिस इज़ द राइट हैंड ड्राइव, पाकिस्तान में ये ड्राइव करना कंपैरेटिवली ईजी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटी अप, यू हैव टू लिसन टू द साउंड। This car has more bass. It's like growling. आज के ज़माने में अगर रोड पे आप एक 100 गाड़ियाँ भी देखें, बट ये गाड़ी जब स्टार्ट होगी तो आपको इसकी यूनिक आवाज़ बिल्कुल उन 100 गाड़ियों में से अलग नज़र आएगी। '70s के अंदर क्रोम वॉज अ वेरी इन थिंग और वेरी अ ट्रेंडी थिंग, तो आप उस एरा के गाड़ियों में देखेंगे कि आपको क्रोम फिनिशिंग गाड़ी के बाहर, गाड़ी के अंदर सब जगह पे मिलेगी फॉर द डिटेलिंग। इसकी जो सीट्स हैं दोज वर इम्पोर्टेड फ्रॉम लंदन बाय द ओनर। ये तो बात हो गई सारी व्यूअर्स पर्सपेक्टिव की, और देखने में तो ये गाड़ियाँ बहुत खूबसूरत लगती हैं, और हमने जानना है कि इनको प्रैक्टिकली मेंटेन करना कितना आसान या मुश्किल है, तो उसके लिए हमारे पास हैं द ओनर ऑफ द कार्स, मोहम्मद शाह। वेलकम मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम टू गियर अप। क्या हाल है आपका? थैंक यू फॉर होस्टिंग मी, बिल्कुल ठीक। दीज आर ब्यूटिफुल कार्स यार, मैं तो इनको देख के, इन पे आपकी कितनी मेहनत लगी है, और फॉर हाउ लॉन्ग यू ओन्ड देम? सो द फिएट इट्स बीन 5 years नाउ। 2017 में ली थी, और इसको रिस्टोर इसके प्रीवियस ओनर ने किया था। हमने थोड़ी सी बस माइनर चेंजेस की थी, जैसे कि ये क्रोम बम्पर है ये हमने लगाया था, पहले इसमें एक US पैक रबर बम्पर लगा हुआ था, व्हील्स उसमें एलॉयस थे, और हमने ये व्हील का ओरिजिनल लुक इसकी एग्जैक्टली हमने व्हील्स देख रहा था कि दीस व्हील्स यू कैन नॉट फाइंड एनीवेयर, आप मार्केट में जाएं जितनी मर्जी बड़ी डीलरशिप पे जाएं आपको ये व्हील देखने में नहीं मिलता। नहीं मिलते हैं जी, बिल्कुल इन्हीं के लिए बने ये बम्पर। ढूंढने में टुक 2 years जस्ट टू फाइंड देम कि कहीं से मिल जाए। इन गाड़ियों को प्रैक्टिकली मेंटेन करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है? अच्छा, अब प्रैक्टिकली मेंटेन करना फिएट को रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है MG या मिनी से, क्योंकि फिएट के पार्ट जैसे कि आपको कहा बम्पर में 2 साल लग गए हैं, तो इसको मेंटेन करना, इसके कोई ज़्यादा मसला आ जाए ना तो इसका फिर पार्ट्स ढूंढना एक बहुत बड़ा अजाब है। जो MG भी है ना, लंदन में काफ़ी कंपनीज हैं जो अभी तक इन MGs के पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो दे आर इजीली अवेलेबल। सो मेंटेनिंग द MG इज़ मच ईजियर।